वो जब प्लेट लड़ लो होते ना कभी ब्लड थिन होता है उसका ब्लड थिन है पानी वगैरह आया ब्लड हाँ एच पी भी डाउन है प्लेट लोड भी डाउन पार्वो वायरस टिक फीवर और डिस्टेम्पर जय माता दी किसी के डॉग को किसी के एनिमल को लाइफ में कभी ना स्ट्रेटेड जफर को टिक फीवर ही निकला जी टिक फीवर निकला ये इसके कैनूला लगा हुआ है यहाँ पे इसको ड्रिप लगी थी कल इसको दोबारा लेकर जाना है सो यार आज की मॉर्निंग कोई कैंट नहीं हुई है मेरे को कहते हो बहुत बुरा लग रहा है आज मेरा कोई इंट्रो नहीं आ रहा किदा कैंट हो सारे वाला बिकॉज दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ पड़ा है आप लोगों को पता है आप जो भी व्लॉग्स देखते हो वो दो तीन दिन लेट ही आते हैं ऑलरेडी मतलब पहले ही वो चीज हो चुकी होती है ना सारे ऐसे ही करते हैं सो यार क्या था जफर का ऑपरेशन हो गया उसके बाद जो भी आपने लास्ट व्लॉग देखा है कि मैं सुबह सुबह उठ के जफर की वॉमिट उठा रहा हूँ तो मेरे को था भी शायद हो सकता है एनेस्थेसिया दिया है या एक दो इंजेक्शन और लगे हैं उसको तो उनका कोई बैक आ रहा होगा थोड़ा सा तो ये वॉमिट कर रहा है बट अभी को यार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है इट्स सेकंड और यू कैन से थर्ड मॉर्निंग सेकंड डे और कैन से थर्ड मॉर्निंग ओके थर्ड डे है और आज भी क्या हो रहा है जफर जो भी खा रहा है वो बैक आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ आज रूम की कंडीशन क्या है दादी जी तो मेरे साथ सो ही नहीं रहा है इस रीजन से उनको इस चीज से बहुत ज्यादा मतलब उनका जी कच्चा होता है बट यार अपने लिए तो जफर सब कुछ है सो मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो क्या हो रखा है यहाँ पे जफर को बेडिंग लगा के दे रखी थी मैंने सोने के लिए उसने अपनी बड़ी बेडिंग खराब कर दी थी तो चद्दर बिछाई थी जो आप थंबनेल में देख रहे हो ये देखो ये वॉमिट कर रखी है इसने थोड़ी सी पापा ने उठा दी है इसमें से इधर वॉमिट कर रखी है ये देखो इधर कर रखी है इधर कर रखी है और वहां कर रखी थी सफर ने वॉमिट वहां पे भी मैंने उठा दी बिकॉज मंदिर है पूजा पाठ करना होता है तो ऐसा सीन हो रखा है कि जफर जो भी खा रहा है अगर जफर सुबह कुछ खा रहा है तो वो दोपहर को निकाल रहा है कल भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं जफर के साथ ही उलझा हुआ था जफर को कल मैंने थोड़ा सा फीड दी भाई मैं कहा चलो थोड़ी सी टेस्ट सा बन जाएगा इसका सारी फीड इसने बाहर निकाल दी एज इट इज एंड उसके बाद जफर को रात को जो खाना दिया हमने वो ये कमरे में पड़ा आपके सामने है जो भी जफर को खाना दे दिया गया मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने डॉक्टर साहब को कॉल करी थी वहीं लाइफलाइन पेट क्लिनिक पे डॉक्टर सुनील को तो वो बोलते हैं कि भाई जो मैं पापा ने मेरे को बता रहे हैं कि जो ये स्टूल पॉटी कर रहा है वो भी ब्लैक कलर की आ रही है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये जो लक्षण है ये लक्षण जो है सारे के सारे मतलब टिक फीवर के हैं वो कहते हैं इसका या तो सीबीसी चेक करवाओ टेस्ट कराओ ब्लड टेस्ट कराओ हमारे यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है सो मैं फटाफट डॉक्टर साहब के पास जाने वाला हूँ मुंह हाथ धो के मैं अभी उठा ही था जस्ट मैंने कैप डाली बिकॉज मेरे बाल अनइवन थे और बहुत ज्यादा टेंशन हो गया यार इस चीज की टिक फीवर जिन जिनको पता है ना मतलब टिक फीवर पार्वो वायरस डिस्टेम्पर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज आए हैं मतलब इनमें लोगों के डॉग्स चले गए मतलब मैं क्या बोलूँ यार कुछ नहीं बोलना ऐसा यार गलत नहीं बोलना ठीक है पॉजिटिव रहना है सो उसको डॉक्टर साहब के पास लेके चलते हैं बाकी फर्दर जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाई दूंगा आजा चल 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 चढ़ जा चढ़ जा चल 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 चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा बढ़िया 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 सो गाइज फिलहाल आपने देख ही लिया मतलब मैं वैसी क्लिप बना रहा था जफर की गाड़ी में जाते हुए जैसे कि लास्ट दो व्लॉग में मैं बना रहा था तो जफर से ऊपर चढ़ा नहीं गया इसके अंदर ना मतलब स्ट्रेंथ की कमी आ रही है आप कह सकते हो तीन दिन से जो भी खा रहा है बाहर आ रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है पेट खत्म है अंदर से मतलब खाली है सो इसीलिए इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है खाना नहीं खाएगा तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी और थोड़ी सी स्क्रीन वॉबल कर रही होगी क्योंकि मैंने मोबाइल होल्डर में मोबाइल लगाया हुआ अपना बिकॉज मैं ड्राइव कर रहा था तो एक दो बार हो गया चांस रिस्की हो जाता है सो अभी भी देखो आराम से बैठा हुआ है आंखें इसकी गिरी सी हुई हैं मतलब डला सा पड़ा है बाकी वहाँ जाके डॉक्टर साहब बताएंगे उन्होंने बताया कि सीबीसी का टेस्ट करवाना है इसका सीबीसी के टेस्ट में पता लग जाएगा कि भाई इसके प्लेटलेट्स कम ज़्यादा हो रहे हैं क्या चक्कर है क्योंकि टेम्परेचर तो 100.5 ही आ रहा है बट डॉक्टर साहब को जैसे मैंने बताया कि स्टूल ब्लैक आ रहा है इसका तो वो कहते हैं भाई ये शायद चांस होते हैं टिक फीवर के और टिक फीवर से मतलब कुछ नहीं बोलूँगा पहले देखते हैं है भी या नहीं है ये नो ओवर थिंक कर करके मैं अपना दिमाग खराब कर लूँ वरना पार्वो वायरस टिक फीवर और डिस्टेम्पर जय माता दी किसी के डॉग को किसी के एनिमल को लाइफ में कभी ना हो जो भी खा रहा है ना कुछ घंटे बाद बाहर आ रहा है कल रात मेरे को लगा ठीक हो गया मैंने इसको लिक्विड दिया ना
तो वही हो रात को से एक दो तीन चार पाँच जगह उल्टी करी और उल्टी भी ब्लैक कलर की। मैंने बकायदा फोटो खींची है आपकी। देखो आपने सुबह मेरे को बताया ना अभी स्टूल कैसा आ रहा है, तो पापा ने बताया कि पापा लेके जाते हैं सुबह इसको, तो रात को वैसे नहीं पता लगता। मैं वैसे कुछ ब्लॉग डाल रहा था, मैं कहा गुड रिकवरी है यहाँ भाई साहब अलग ही इसमें है। नॉर्मल पेट बूट में इन्फेक्शन ले लिया, क्या करेगा टिक्की बना दो हल्की चीज में सार ले। इससे कौन सा टेस्ट होएगा? सीबीसी प्लेटलेट चेक करने में। ओके देखो, जब प्लेटलेट लो होते हैं ना तभी ब्लड थिन होता है, इसका ब्लड थिन है। हाँ पानी वर्ग आया ब्लड। हाँ एच बी भी डाउन है, प्लेटलेट भी डाउन है, या फिर मैं खून की कमी, एच बी खून की कमी है। जनाब एक फीवर लेकर बैठे हैं, वो टिपिकल होता है जब भी मतलब किसी के डॉग पे वो टिक्स दिखे ना छोटे वाली तो सस्पेक्टेड है वो। मैं टिक फीवर है हो सकता है, मतलब आने ही नहीं देनी है ब्राउन डॉग टिक तो। अपना ये है भी ना ब्रीडर बेल्ट है, तो यहाँ मूवमेंट ज़्यादा है डॉग्स की, इस स्टेट में उस स्टेट में, तो यहाँ इस वेक्टेड बोन डिजीज ज़्यादा रहती है टिक से रिलेटेड। सो एज स्ट्रिक्टेड जफर को टिक फीवर ही निकला जी। हाँ जी टिक फीवर निकला और अभी इसको ड्रिप लगाएंगे और उसके बाद इसकी 30 दिन की साइकिल चलेगी जफर की। डॉक्टर साहब बता रहे हैं 30 दिन की साइकिल चलेगी, वो कह रहे हैं अभी ठीक है थोड़ी कंडीशन, बट सीधा कर ले इसको, सीधा कर ले सीधा। ये ब्लड आ रहा है, कोई चक्कर तो नहीं इसका? नहीं भाई साहब को ड्रिप लग रही है, ये रही अभी थोड़े थोड़े इंजेक्शन लगेंगे ये पड़े हैं जो। टिक फीवर निकला है, होप फॉर द बेस्ट। थोड़ा सा डाउन है बट ठीक है। मजे में घर बैठा था, बैठा था साला शुरू ही हो गया बीमार होना। ना पैर सीधा रख, ये ऐसी रहेगी कल फिर। कल दिखाने के लिए ना। ओके पहले में आना। हाँ अभी जफर ये पिएगा काफी दिन। सो भाई वहां पे जफर की यार कंडीशन देख के यार देखो पता है क्या, पहले एक इसकी सर्जरी हो गई, अब इसको फिर दोबारा से एक इशू आ गया, टिक फीवर आया इसको, इसका सीबीसी काउंट बहुत कम है और जो प्लेटलेट्स हैं वो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे बहुत कम है, बट ये वॉमिट करे जा रहा है इसलिए उन्होंने इसको कोई मेडिसिन नहीं दी। इसको दो इंजेक्शन लगे थे, एक इंजेक्शन लगे था स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस का, और सेकंड इंजेक्शन जो लगा था वो हेमोग्लोबिन बढ़ाने का था। इसका हेमोग्लोबिन भी गिरा पड़ा है, हेमोग्लोबिन होता है खून, खून कम है इसके शरीर में। और अभी फिलहाल इसको घर ले आया हूँ, डॉक्टर साहब ने कोई मेरे को टैबलेट नहीं दी इसको खिलाने के लिए, बिकॉज ये वॉमिट करी जा रहा है जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया और सुबह भी दिखाया, और मेरे को ये सिरप मिला है प्लेटो प्लेट प्लस के नाम से। सो ये देना है, इसके अंदर पपाया लीव, गिलोय एक्सट्रैक्ट, गोट मिल्क पाउडर, विटामिन इन, प्लेटलेट्स बढ़ाने का है। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं अभी कोई डरने वाली बात नहीं है, चांस है मतलब सही होएगा, सब सही होएगा, चांस क्या यार सही होएगा, बट ना यार मेरे माइंड में पता नहीं क्यों इतना डर बैठा हुआ है ये टिक फीवर को लेके। पार्वो वायरस, टिक फीवर और डिस्टेम्पर कभी किसी के दुश्मन के डॉग्स को भी होने चाहिए, क्योंकि इसका एक ब्रदर था वो टिक फीवर में मर गया था, इसकी मदर जो है वो टिक फीवर में मरी हुई है, तो मेरे माइंड में बहुत डर बैठा हुआ है। इवन कि मैंने लास्ट टाइम विजिट पे बिफोर सर्जरी मैंने इसको इंजेक्शन भी लगवाया था वहाँ पे डॉक्टर साहब से टिक्स वाला, बट स्टिल हो गया। और अभी सर ने इसको कैनूना लगाया था, ये देखो ये इसकी कैनूना लगा हुआ है,
दिखा सफर, ये रहा, ये इसके कैनूला लगा हुआ है, यहाँ पे इसको ड्रिप लगी थी, कल इसको दोबारा लेकर जाना है और थोड़ा सा अभी एक्टिव दिख रहा है, वरना सुबह से तो ऐसे बैठा था जैसे बस कोई ना बच्चे, कोई ना कोई ना कोई ना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई ना। तो ये पिलाएंगे इसको और कल लेके जाऊंगा इसको डॉक्टर साहब के पास दोबारा, एक और इसकी विजिट है, अगर इसने वॉमिट ना करी तो उसके बाद तो वेल एंड गुड है। इसको इसकी साइकिल चलेगी 30 डेज की, वो कल आपको पता लग जाएगा, मैं कल की विजिट का भी ब्लॉग बना लूंगा। बट यार मेरे को पता नहीं वहां जाके क्या हो जाता है, मेरे सामने एक पग का मेल मरा 3 महीने का, वहीं पे जस्ट लास्ट ब्रीथ पे था, उसको पंपिंग कर रहे थे। मैं वीडियो वीडियो नहीं बना सकता, मतलब मेरे से हिम्मत नहीं पड़ती यार इतनी क्या लो ब्लॉगिंग करने की उस टाइम, तो मेरा मन वहां पे बहुत भारी हो गया, ऊपर से इसको टिक फीवर पॉजिटिव निकल गया ये, तो फिर थोड़ा सा मन भारी हो गया, तो मैं बस ऐसी वीडियो बन जाती है भाई, आप लोगों को पता लग जाएगी वहाँ क्या हुआ था। इससे ज़्यादा मेरे से वहाँ पे कुछ बोला नहीं जाता कि गाइज ये कनूला लग रहा है, ये ऐसे होगा, जितना बोला जाता है कर देता हूँ। तो कुछ नहीं यार, यही था आज का व्लॉग, अपनी दुआएं साथ रखना, ठीक है, मिलेंगे यार नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।